हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेशम देवी राजस्थान चैनल। आज हम बना रहे हैं ढोकला। देखते हैं कैसे बनाते हैं, आपको बताएंगे भी और देखना भी। ये है हम आटा है और ये सूजी है और ये क्या है, ये अजवाइन है और ये मम्मी ने धनिया और लहसुन गिर दिया है। यहाँ पर मिर्ची और प्याज है, पेस्ट करके गिर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे, शायद नमक गिर दिया है, जीरा, हल्दी, मिर्ची, धनिया पिसा हुआ है ये, और ये है काला नमक, ये काली मिर्च नहीं, पहले के साथ जो काली मिर्च थी आए एकदम, और ये है बेकिंग सोडा। अब इन सबको मिक्स करेंगे। ये मेरी मम्मी ने मिक्स कर रही है, मेरी मम्मी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे इसमें पानी ऐड कर करके इसे थोड़ा सा गीला कर लेंगे, आटे की तरह थोड़ा सा। अब हमने इसे अच्छे से गूंथ लिया है, देखना ऐसे हो रहा है, थोड़ा टाइट भी है और थोड़ा गीला भी है। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगा के और इसे अच्छे से और गूंथ लेंगे। ताकि मुलायम हो जाए। हमने इसे वापस घी लगा के गूंथ लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए वैसे रखेंगे, फिर बाद में बनाएंगे ताकि ये थोड़ा मुलायम हो जाए। 15 मिनट्स और हो चुके, अब हम इसे बनाएंगे। इसे हम गोल गोल करेंगे। हम इसे जैसे बिड़कुले बनाते हैं उस टाइप में कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, सबको हम ऐसे ऐसे कर लेंगे। हम इसके बीच में होल इसलिए कर रहे हैं ताकि कच्चा ना रहे, अच्छे से पक जाए, सपोर्ट मिलेगा पकने का। हमने इसके सबको गोल गोल कर लिया है। हमने कुकर के भीतर एक बाउल को मोदा करके रख दिया है और उसके साइडों में ये लगा रहे हैं। धीरे धीरे हम सबको रख देंगे। हमने रख लिया इनको, अरेंज कर चुके। अब हम इसे गैस पे पकाएंगे। हमने इधर गर्म पानी किया था, अब उसे हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम गैस को चालू कर रहे हैं। अब हम इसे 10 मिनट तक ढक के रखेंगे, फिर देखते हैं। हम साइड में अब इसकी चटनी बनाएंगे। ये हमने बेसन और छाछ का पेस्ट करके इसको पका रहे हैं, मींस की खड़ी बना रहे हैं। इसमें खड़ी पक रही है, देख सकते हो आप।
पहले हमने बोला था ढोकले, अब हम चेक करके देखते हैं कि वो पक गए क्या। अभी हमने उसको नोक करके देखा और उसके साथ कुछ भी लग के नहीं आया, तो मतलब ये पक गए, ये बन चुके हैं। अब हम कढ़ी के लिए तड़का तैयार करते हैं। हमने इसे गैस से नीचे उतार लिया है। इधर हम कढ़ी का तड़का तैयार कर रहे हैं। इसमें हम तेल डाल रहे हैं। हम इसमें आइटम्स ऐड करेंगे। हम इसमें पहले हींग ऐड करेंगे। थोड़ा सा गर्म होने के बाद तेल को अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे नीचे रख के। अब इसमें जीरा, राई, और थोड़ी मिर्ची और लहसुन ऐड करेंगे और इसमें हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम ढोकले को बाहर निकालेंगे। बन के तैयार हो चुके, अब हम इसमें पे थोड़ा थोड़ा घी ऐड कर देंगे। बन के तैयार हो चुके हमारे ढोकले, थोड़ा सा कढ़ी में डाल देंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब हम इसे सर्व कर देंगे। आप भी घर पे बना के ट्राई करना कैसा है और कमेंट में बताना कैसा लगा। बाय बाय। सही हिमांशु टेस्ट करके बता रहा है, हिमांशु टेस्ट करके बता रहा है कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा, खाली पेट और अच्छा लगता है। खाली पेट और अच्छा लगता है। बाय बाय।